वेलकम। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एसिड बेस एंड सॉल्ट। अभी तक मैंने अपना इंट्रो नहीं दिया। मेरा नाम है रोहित और मैं आपका केमिस्ट्री टीचर हूँ सिनर्जी एडुटेक में, और मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है 9th, 10th, 11th, 12th को डील करने में। केमिस्ट्री मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चे समझते हैं केमिस्ट्री एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री थियोरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, केमिस्ट्री वेरी लॉजिकल और कंसेप्चुअल है। आई रिपीट, लॉजिकल और कंसेप्चुअल। आप जितने अच्छे लॉजिक और कंसेप्ट लगा सकते हो, केमिस्ट्री आपके लिए उतना ही सिंपल बनेगा। अब एसिड बेस एंड सॉल्ट, अगेन रिपीट करूंगा, बच्चे इसको थ्योरी की तरह पढ़ते हैं, पर मैं यहाँ आपको बहुत लॉजिकली और कंसेप्चुअल चैप्टर को समझाऊंगा, तो आपको बहुत इंजॉय करोगे इसको पढ़ने में। और इस चैप्टर के कंसेप्ट अगर आप 11th में साइंस मैथ्स लेते हो या बायोलॉजी लेते हो, तो आपको केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। वहाँ पे काफ़ी काम आने वाले हैं आपके एसिड बेस एंड सॉल्ट के कंसेप्ट। बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं आगे जाके इस चैप्टर पे। तो आइए शुरू करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। अब देखो, इसकी हिस्ट्री की बात करूँ तो आपने 7th क्लास में एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ा होगा, ठीक है। आज के ठीक 3 साल पहले 7th क्लास में एसिड बेस सॉल्ट पढ़ा होगा, काफ़ी सारी चीज़ें जानते होंगे, पर जहाँ तक मुझे लगता है आपको उसका कुछ भी याद नहीं रहा होगा, ठीक है। तो अपन थोड़ा रिकॉल करते हैं। वहाँ आपने पढ़ा था कि एसिड आर दो सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट। ऐसे सब्सटेंस जो टेस्ट में सोर होंगे वो एसिड होते हैं, और जो सब्सटेंस टेस्ट में बिटर होंगे वो क्या होंगे, बेसिक होंगे, ठीक है। पर अब यहाँ अपन ने वहाँ पे थोड़ी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी एसिड की। एसिड वाटर में कंडक्टिविटी शो करता है, लिटमस पेपर कलर चेंज करता है, और भी काफ़ी सारी अपनी चीज़ें पढ़ी थी, है ना। अगर आपके बुक हो 7th का या कोई आपका ब्रदर सिस्टर हो तो आप रेफर कर सकते हो पुरानी चीज़ें रिवाइज करने के लिए। जैसे आपको याद हो लेमन क्या है, एसिडिक है, क्यों? क्योंकि इसका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है, ठीक है। इसी तरह से विनेगर एसिडिक एसिड, ठीक है, सिरका होता है। आप यूज़ करते हैं चाउमीन वगैरह में, अचार में, वो भी क्या है, तरह का एसिड है। वहाँ तो नाम ही आ रहा है विनेगर एसिडिक एसिड, कॉमन नेम उसका एसिडिक एसिड है। ऑरेंज, वो भी आपका एसिड है, सिट्रिक एसिड होता है। एप्पल, उसमें मैलिक एसिड होता है। मिल्क, मिल्क कैसा होता है, मिल्क भी स्लाइटली एसिडिक होता है, क्योंकि मिल्क में होता है लैक्टिक एसिड। ऐसे अपने काफ़ी सारे एग्जाम्पल आप जानते होंगे। इसी तरह से बेस की बात करूँ तो टूथपेस्ट हो गया आपका, ठीक है, आपका क्या टूथपेस्ट हो गया, ब्लड हो गया, ब्लड भी स्लाइटली बेसिक होता है, ठीक है। सोप हो गया, सोप आपका बेसिक होता है ना। जो भी सब्सटेंस बेटर होंगे वो क्या होंगे, बेसिक नेचर के होंगे। आपका जो सलाइवा होता है वो माउथ के अंदर, वो भी स्लाइटली एसिडिक होता है। ज़्यादा जंक फूड खाने से और ओवर ईटिंग करने से पेट में एसिडिटी हो जाती है, तो अपन इनो वगैरह पीते हैं या कोई भी लिक्विड सिरप पीता है, वो बेसिक होती है ताकि पेट में जाकर न्यूट्रलाइजेशन कर सके। तो ये इतनी थोड़ी बहुत बेसिक बातें आपको पता होगी, पर आप चैप्टर को थोड़ा कंसेप्शन के आगे बढ़ाते हैं। एसिड का मतलब होता क्या, ये वर्ड एसिड कहाँ से आया? ये वर्ड एसिड आया फ्रॉम द वर्ड एसिडस, लैटिन में वर्ड है एसिडस, उसका मीनिंग होता है सोर। क्या वर्ड होता है लैटिन में, एसिडस, वहां से वर्ड निकला इन्होंने एसिड, उसका मीनिंग होता है सोर। अब बात आती है कि इसकी थ्योरेटिकली डेफिनेशंस क्या होगी एसिड की। एसिड की एक डेफिनेशन नहीं है थ्योरेटिकली, एसिड की 3 डेफिनेशंस हैं, पर आपके एनसीईआरटी में जनरली एक ही डेफिनेशन यूज होती है। पर मैं आपको चैप्टर के जैसे जैसे चैप्टर चलेगा मैं आपको इसकी और भी डेफिनेशन क्लियर कर दूंगा। तो पहला जो कंसेप्ट था ना एसिड का, एसिड बेस का, वो दिया था एरेनियस ने। किसने दिया था, एरेनियस ने, ठीक है। एरेनियस ने क्या बोला था, ऐसे सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन वाटर और एक्वस मीडियम इज कॉल्ड एसिड। ऐसे सब्सटेंस जो पानी में डालने पर, ठीक है, या उनको मॉइस्ट करने पर हाइड्रोजन आयन रिलीज करें, ठीक है, हाइड्रोजन आयन रिलीज करें, उसको बोलेंगे अपन एसिड, ठीक है। अब डेफिनेशन से बहुत सिंपल लगता है कि जिसमें H+ होगा या जो जिसमें H होगा वो एसिड होगा, पर अपन समझते हैं इसको एक इक्वेशन की तरफ से। तो आप लोगों ने बहुत कॉमन नेम सुना होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सुना है HCl, ठीक है, HCl सबने सुना होगा, HCl, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। अब ये एसिड की प्रॉपर्टी कैसे शो करेगा, जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे, इसको डाइल्यूट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे H+ निकलेगा और वो जाएगा इस वाटर के पास और रिलीज होगा Cl-, तो ये Cl- बचा और ये H+ वाटर के साथ डिसॉल्व हो गया। अब ये H+ और H2O मिलके बना लेते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बना लेते हैं, हाइड्रोनियम आयन H3O+। तो अपन ये बोल सकते हैं कि जिस सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट हो वो एसिडिक होंगे, क्योंकि इस वाटर के पास H+ आया है
HCl से। अब H+ के ऊपर देखो प्लस चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है सील के ऊपर, तो सील माइनस बचा रह गया H+, यहाँ पे H2 से मिलकर बना लिया था हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि आपका HCl क्या होगा, एसिडिक होगा, क्योंकि उसने H+ रिलीज करा वाटर में। अब आप सोचोगे सर ये H+ यहाँ पे अटैक कैसे करता है, ठीक है ये अटैक कैसे करेगा, ये तुम्हारा वाटर होता है H2O। अब तुम्हें यहाँ दो वाटर के पास होता है आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट शेल में सिक्स इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक ये हो गया और ये दो ये होंगे, ठीक है इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब जब क्लोरीन क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ज्यादा पावरफुल होता है, तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो H+ बचता है। अब H+ क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये लोन पेयर अपने डोनेट कर देता है इस H+ को, तो बना लेता है H3O+। ये ऐसे कंसेप्ट आपको भी समझ में नहीं आएगा, जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे अपन तो आगे ये बहुत चीजें क्लियर हो जाएगी, पर अभी मैं आपको समझा रहा हूँ थोड़ा रफली कि हाइड्रोनियम आयन बनता कैसे है। इसके पीछे भी काफी बड़े बड़े कंसेप्ट हैं, अपन अभी नहीं डील करेंगे, नहीं तो आप अभी सैचुरेट हो जाओगे चैप्टर के स्टार्टिंग में ही, ठीक है समझ में आया। एक एग्जाम्पल लेते हैं H2SO4, इसका नाम भी आपने काफी सुना होगा, ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये कैसे प्रॉपर्टी शो करेगा एसिड की, जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे, पानी में डालोगे, तो सल्फ्यूरिक एसिड के पास क्या है, हाइड्रोजन के आयन है, दो आयन है, तो सपोज इसने अगर यहाँ पे दोनों आयन रिलीज कर दिए, तो दो आयन रिलीज होके वाटर के दो मॉलिक्यूल के पास जाएंगे तो बनाएंगे टू हाइड्रोनियम आयन, टू H3O+, ठीक है। अब ये कैसे बना है, दो H+ के आयन से वो दो वाटर के मॉलिक्यूल के पास जाके अटैच हो गए, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा, सल्फेट बचेगा SO4 माइनस टू। अगर आपको याद हो नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा होगा कि H2SO4 के अंदर क्या होता है, ये होता है माइनस टू का और यहाँ पे दो प्लस के चार्ज है, एच के ऊपर प्लस वन का, दो हाइड्रोजन है तो प्लस टू, सल्फेट में माइनस टू, तो ये माइनस टू बचा गया सल्फेट के ऊपर और ये हाइड्रोनियम आयन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वापस सेम हाइड्रोजन रिलीज हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा, एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। अच्छा ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसकी जो एच प्लस रिलीज करते हैं, फॉस्फोरिक एसिड हो गया आपका, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, है ना। तो जो भी चीज एच प्लस रिलीज करें इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर वो होगा एसिड, ऐसा बोला था एरेनियस ने। अब हर बार ये डेफिनेशन सही नहीं होती, ठीक है। और भी साइंटिस्ट आए थे, ब्रॉन्स्टन, लॉरी आया था, लुइस आया था, उन्होंने भी अपनी अपनी डेफिनेशन दी, पर अभी वो डेफिनेशन में डिस्कस नहीं करूंगा, अभी एरेनियस कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूँ, फिर वो डेफिनेशन मैं आपको चैप्टर के एंड में बताऊंगा, क्योंकि वो डेफिनेशन एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, ठीक है। अब बात आती है कि एसिड तो अपन ने पढ़ लिया कि जो H+ रिलीज करे वो एसिड, तो सर बेस क्या होगा, बेस में क्या होगा, जो OH- रिलीज करे, हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करे, इसने दिया था हाइड्रोजन आयन और बनाया था हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, और OH- वाले को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। अब बेस क्या होगा, जो OH- रिलीज करे, ठीक है। आप एक बार इसको दोबारा अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर ये समझ में आ जाता है तो बेस आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब एसिड्स के कुछ और एग्जांपल भी है, HNO3 हो गया, H3PO4 हो गया फॉस्फोरिक एसिड, या फिर H3PO3 भी होता है फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। और अगर आप एग्जांपल की बात करो HBr, ये भी एसिड है। तो ऐसे जो भी आयंस है एरेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग, वो जिनमें H+ रिलीज होगा वो जाएंगे एसिड, ठीक है। अब बात करते हैं बेस के बारे में। अब बेस में क्या है, एरेनियस ने जो रिफाइनेशन दी है पढ़ते हैं, एरेनियस रिफाइन बेस एज द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल आयन, मतलब OH- आयनिक एक्वस सॉल्यूशन। तो बहुत बेसिक से एग्जांपल लेता हूं मैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH, ठीक है। अब NaOH क्या करेगा, जब भी वाटर में इसको अपन डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या करेगा, OH रिलीज कर देगा, तो ये बन जाएगा Na+ एंड OH- विद द हेल्प ऑफ वाटर, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रोक्सिल आयन, क्लियर। वाटर डालने पे ही डिसॉल्व हुआ। आप बोलोगे सर ये यहाँ पे वाटर का क्या काम आया, वाटर ने ही इस बॉन्ड को ब्रेक किया है। अब वहां तो H+ क्या था, वाटर से जाकर अटैच हो गया था, अब यहाँ पे OH- वाटर से अटैच नहीं होगा, ऐसे रहेगा, और साथ में वाटर तो एज इट इज प्रेजेंट है, वाटर के बाहर काफी सारे मॉलिक्यूल है, ठीक है, वाटर एज इट इज प्रेजेंट है, बस उसने इसको ब्रेक कर दिया OH-। अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड,
वापस वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे दो हाइड्रोक्साइड आयन है, एक के ऊपर माइनस वन होता है तो आपको 2OH- मिलेगा और साथ में Mg का +2 मिलेगा, ठीक है। 2OH- है तो -2 चार्ज हो गया टोटल, तो यहाँ पे +2 आता है। और अगर आपको नहीं पता +2 कैसे आता है, इसका नंबर होता है 12, कॉन्फिगरेशन होगी 2, 8, 2, 9 क्लास में आपने थोड़ा पढ़ा होगा, तो दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके +2 चार्ज आ जाता है। नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं इसको और अच्छे से समझा दूंगा बाद में। तो ये भी क्या होगा, बेसिक होगा, ठीक है। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल होते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, आपका हो गया KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड OH लीथ होगा, ठीक है, LiOH, ठीक है, ऐसे जो भी सब एग्जाम्पल में जिनमें भी OH होता है वो आपके बेसिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करते हैं। तो ये दो डेफिनेशन थी एसिड और बेस की Arrhenius के अकॉर्डिंग। एसिड आर दो सब्सटेंस विच लीथ एस्पेस आयन इन एक्वस मीडियम, और बेस आर दो सब्सटेंस विच लीथ हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस मीडियम। तो ये वो होंगे एसिड और बेस। अब आगे इसकी बहुत सारी बातें करनी है अपन को, इसकी प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग, रिएक्शंस के रिगार्डिंग, टेस्ट कैसे करेंगे क्योंकि वही सब्सटेंस एसिड है या बेसिक है, तो वो सब अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इसको एक बार रिवाइज करिए और नोट्स कॉपी करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।